बहुत बहुत स्वागत आप सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, रियासत के माननीय राज्यपाल श्री एन एन वोहरा जी का, रियासत के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी का, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी जी का, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, रियासत की काबीना के माननीय मंत्री, संसद सदस्य, सेक्रेटरी रान ट्रांसपोर्ट श्री संजय मित्रा जी, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर श्री बी आर शर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी सड़क परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। निवेदन है श्री नितिन गडकरी जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन गुलदस्ते के साथ करें, बुके माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। श्री नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन राजमार्ग जहाजरानी मंत्री, बुके भेंट किया माननीय प्रधानमंत्री जी को। अब संजय मित्रा जी जो कि सेक्रेटरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के, वो बुके भेंट करेंगे माननीय राज्यपाल श्री एन एन वोहरा जी को। संजय मित्रा जी ही बुके भेंट करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को। संजय मित्रा जी बुके भेंट करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को। श्री एम के जैन चीफ जनरल मैनेजर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बुके भेंट करेंगे श्री नितिन गडकरी जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्रालय। श्री आर पी सिंह जनरल मैनेजर नेशनल अथॉरिटी हाईवे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आर पी सिंह जी एक और बुके भेंट करेंगे डॉक्टर निर्मल सिंह जी को, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मैं सविनय निवेदन करते हुए आमंत्रण देना चाहती हूं स्वागत भाषण के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। धन्यवाद सर। दुनिया भर में 21वीं सदी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारतवर्ष की शानो शौकत के प्रतीक, नए हिंदुस्तान न्यू इंडिया की रूहे रवां ते तुंदे अपने साढ़े सारे दे अपने प्रिय नायक नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का उधमपुरे की धरती पर मता मता अभिनंदन, मता मता स्वागत। सम्मानीय मंच ते मेरे सामने इन्ना बड़ा विशाल समूह, इन्नी बड़ी संख्या, इन्नी बड़ी तादाद जिहड़ी अज तक कुसै नहीं दिखी दी, ये संख्या ये तादाद उधमपुर के इतिहास च इन्ना बड़ा जनसभा, इन्नी बड़ी रैली, इन्नी बड़ा जलसा अज तक ना कुसै ने दिखा ना कुसै ने सुनिया। तुहाड़ा मता मता अभिनंदन है भैणों भराओ। और ये सब जादू किसका है? ये जादू है मोदी नाम का, ये मोदी नाम का जादू है। बोलो, और कमाल ये है कि आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आए तो हैं लोकार्पण करने इस अद्भुत सुरंग का, लेकिन कमाल इस बात का कि उनके आने के समाचार से ही उधमपुर के अनेकों रुके हुए काम खुद ब खुद सरंजाम होने लगे। हमारे यहाँ देवी का नदी है, आस्था की नदी, जिसे हम गंगा मैया की बड़ी बहन मानते हैं, 170 करोड़ 50 लाख रुपया मंजूर हो चुका उसकी सफाई स्वच्छता के लिए। 50 वर्षों से हमारी मांग थी रेडियो स्टेशन हो यहां पर,
और 3 सप्ताह पहले रेडियो स्टेशन का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले पासपोर्ट केंद्र का एक कार्यालय खुल गया और बच्चों के स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए 10 करोड़ की मंजूरी हो गई। हमारा ये क्षेत्र, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहां नदियां भी हैं, झरने भी हैं, पहाड़ भी हैं, पगडंडियां भी हैं, नाले भी हैं, और प्रधानमंत्री जी ये दूर दूर से कोसों मील चल करके लोग सुबह 10 बजे से यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आपको देख करके इनमें एक नई आस जग जाती है, एक नई उम्मीद जग जाती है। और इसलिए मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपके और इनके बीच में खड़ा हूं। और इसलिए बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी के संबोधन से पहले आइए हम सब मिलकर के ये संकल्प करें कि हम सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उंगली पकड़ करके उनके नेतृत्व में शामिल हो जाएं उस विकास यात्रा में, जिस विकास यात्रा में सारा देश, समूचा देश निकल पड़ा है, एक नवीन भारत की खोज में, एक नए हिंदुस्तान, एक न्यू इंडिया की खोज में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अब निवेदन है माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वो अपने विचारों से हमें नवाजें। श्री नितिन गडकरी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के इतिहास का, हमारे देश का सबसे बड़ा टनल, जिसका आज लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और भारत की जनता को किया है। जम्मू से श्रीनगर जो 293 किलोमीटर डिस्टेंस है, मेरा विश्वास है कि यह डिस्टेंस हम 15 अगस्त 2018 के पहले 231 किलोमीटर करेंगे, जिसमें 62 किलोमीटर कम होंगे और दिल्ली और जम्मू से श्रीनगर तक केवल 4 घंटे में आप पहुंच सकेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। केवल इतना ही नहीं, तो कुछ दिन पहले पटना में बर्फ गिरा था, 5-7 दिन के लिए ट्रैफिक बंद था, पर हम ऐसा रोड बनाना चाहते हैं और बनाएंगे कि जो ऑल सीजन, किसी भी सीजन में अब आप जा सकेंगे, चाहे कितनी भी बरसात हो, चाहे कितना भी बर्फ पड़े, पर आप कोई तकलीफ नहीं होगी, ये भी विश्वास आपको मैं देना चाहता हूँ। ये टनल के कारण रोज 27 लाख रुपए का तेल बचने वाला है। इस टनल के कारण जो प्रवास है वो 2 घंटे से कम होने वाला है। पूरे इसमें हम जम्मू कश्मीर में 13 टनल बना रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस रोड पर कि अभी 5 टनल पूरी हुई है। और मैं आपके सामने ये घोषित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जम्मू का रिंग रोड और श्रीनगर का रिंग रोड जम्मू के लिए 2100 करोड़ रुपए और श्रीनगर रिंग रोड के लिए 2200 करोड़ रुपए हम खर्चा करने जा रहे हैं। जम्मू का टेंडर निकल गया है और श्रीनगर का भी 2 महीने के अंदर निकलेगा और ये 3 महीने के अंदर दोनों कार्यों का भी हम शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। ये दोनों रिंग रोड जब बन जाएंगे तो और समय कम होगा। लद्दाख और लेह के लिए जो जोजिला की टनेल है उसके बारे में भी हम आने वाले 2 महीने में उसका 6000 करोड़ की इस टनेल का टेंडर निकालने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि उसके कारण लद्दाख और लेह के लिए भी ऑल सीजन रोड से जोड़ा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सड़क विस्तार के लिए 45107 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था। प्रधानमंत्री जी,
इसमें से 24,160 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू श्रीनगर उसमें सेमी रोंगड़ों का भी इसमें इंक्लूड किया गया था। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने जो ऐलान किया था उसमें से 4,463 करोड़ रुपए के काम पूरे हो गए हैं। 7,394 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना, इनका काम तेजी से चल रहा है। और मैं आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर की जनता को ये विश्वास देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की सोच जो है, जो भविष्य के हिंदुस्तान की है, वो सुखी समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान की है। अगर ये हिंदुस्तान अगर बनाना होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के जितनी अच्छी सुविधा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश में निर्माण करना होगा। और इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि आने वाले 2 साल में हम 60,000 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में करेंगे, जिसमें अनेक टनेल जो है उसके भी निर्माण कार्य हमने रखा है। लेह देवरिंग मुल्डन लेह के बीच 170 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे हमने घोषित किया है। डिंगा अम्ब चालन उधमपुर 70 किलोमीटर, इसको भी हमने प्रिंसिपली मंजूरी दी है। लखनपुर महानपुर बसोली 60 किलोमीटर, इसको भी मंजूरी दी है। और लखनपुर बसोली से डोडा तक 240 किलोमीटर, इसको भी हमने मंजूरी दी है। मेरा विश्वास है कि ये सब कार्य निश्चित रूप से जल्द पूरे होंगे। जहाँ तक हमारे राज्य सरकार के लिए जो CRF से भी हम लोग हमारी योजनाएं मंजूर करते हैं, उसमें भी बहुत बड़े प्रमाण पर हमने निधि उपलब्ध करके दिया है। 2015-16 में 25 परियोजना के लिए 786 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। 2016-17 में 72 परियोजना के लिए 1,019 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इंटर स्टेट में 2 परियोजना के लिए 232 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज वो इस कार्यक्रम में आए। ये जो टनेल बनी हुई है, ये दुनिया की जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ऐसी ये टनेल बनी है। इस टनेल में जो भी आधुनिक व्यवस्था हो सकती है वो सब इस टनेल में है। इसकी कीमत 2,519 करोड़ रुपए है। इससे जम्मू और श्रीनगर की दूरी 31 किलोमीटर से कम हो जाएगी, करीब 2 से 2.5 घंटे समय बचेगा। और दुनिया में टनल के इसमें सुरक्षा के जो भी स्टैंडर्ड्स है वो बेहतरीन सभी स्टैंडर्ड्स और फीचर्स को हमने इस्तेमाल किया है। फायर कंट्रोल, वेंटिलेशन सिस्टम, सिग्नल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये सभी इसमें लगाई गई है। और निश्चित रूप से इसके लिए एक एस्केप टनल भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी, ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं तो आशिया में भी जो टनल बनाई गई है उनमें से भी एक उत्कृष्ट टनल है। वर्ल्ड में जो अच्छी टनल बनाई गई है उन टनल से कुछ जगह पर ये आगे भी है। और ऐसे एक ऐतिहासिक कार्य आपके आशीर्वाद से हुआ है। आपने लगातार सबका साथ सबका विकास ये मंत्र दिया है। चाहे राजनीति में कहीं भी हम चुनाव जीते या हारे, पर सभी राज्यों के लिए समान रूप के कार्य करना, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, सब जगह पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में जो 50 साल में जम्मू कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हुआ वो काम निश्चित रूप से होगा, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए मैं फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, प्रधानमंत्री जी ने जो भविष्य के बारे में हिंदुस्तान की कल्पना तैयार की है, वो हिंदुस्तान ऐसी आर्थिक नीति के साथ विकसित करना चाहते हैं जो गरीबी से मुक्ति पाए। और गरीबी से अगर मुक्ति पानी है तो रोजगार बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री जी, इस टनल के कारण, हम ऑल सीजन रोड शुरू होने के कारण जम्मू कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट की संख्या निश्चित रूप से दुगनी होगी। होटल्स, मोटेल, रेस्टोरेंट्स का धंधा और तेजी से चलेगा और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और जम्मू कश्मीर की गरीबी दूर करने का जो आपका सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की जनता को और हमारी मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार ने जो सहयोग किया है
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कार्य आगे ही ऐसा ही चलता रहेगा, ये विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्री नितिन गडकरी जी। मैं सादर सत्कार के साथ आमंत्रण देना चाहूँगी माननीय महबूबा मुफ्ती जी को, मुख्यमंत्री जम्मू एवं कश्मीर, कि वे मंच पर आएं और इस हर्षोल्लास से भरी जनसभा को संबोधित करें। मैडम महबूबा मुफ्ती, चीफ मिनिस्टर JNK। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मोहतरम नरेंद्र मोदी जी, हमारे गवर्नर साहब गडकरी जी, डॉक्टर जितेंद्र साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मेरे कैबिनेट कोलीग्स, सत शर्मा जी BJP के प्रेसिडेंट, और यहाँ दूर दराज इलाकों से आए हमारे बुज़ुर्ग भाई बहनें, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। हम आज अपने वज़ीर आज़म का खुशामदेद कहते हैं, करते हैं, और मुझे खुशी है कि आज जिस टनल का उन्होंने आगाज़ किया है, इससे न सिर्फ हमारा सफ़र कम होगा बल्कि हमारे लोगों की दूरियां भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ मोदी जी, हम सब आपको उत्तर प्रदेश की कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसा गडकरी जी ने बताया कि न सिर्फ आज का नाशरी टनल बल्कि आने वाले वक्त में आप ऐसे कई टनल्स का आगाज करेंगे, इफ्तिता करेंगे, चाहे छतरगला की बात हो, चाहे वायलू की बात हो, चाहे मुगल रोड की बात हो टनल की, चाहे जोजिला की बात हो, साधना की बात हो, राजधानी की बात हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप इसी तरह से आएंगे और उन टनल्स का भी इफ्तिताह करके न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में सफ़र को कम करेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को भी आपस में जोड़ेंगे और हमारी रियासत को मुल्क के और नज़दीक लेके आएंगे। मोदी जी, मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकती कि आपकी सरकार और आपने किस तरह पिछले साल बहुत मुश्किल वक्त में मेरा और मेरी सरकार का साथ दिया। आपने किस तरह हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मोहतरम राजनाथ सिंह जी को हमारे साथ साथ यहाँ पर खड़ा रखा और उस मुश्किल दौर में हमें बाहर आने के लिए हमारी मदद की। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा होगा, पिछला साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आग के दरिया में से गुजरने वाले एक इंसान के बराबर था और काफ़ी कुछ तो सुधार हो गया है मगर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मगर मैं या मेरी सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास, आपको याद होगा, मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने आपसे हाथ मिलाया था इसी आग के दरिया को रोकने के लिए, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकालने के लिए। और मुझे खुशी है आप एक जुर्रतमंद इंसान हैं, आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनका यकीन था जमहूरियत में। हम 1947 से लेके करगिल वॉर तक तमाम जंगें हमने जीती हैं मगर उसके बावजूद हमारी असली ताकत हमारी जमहूरियत है जिसमें हर चीज़ बातचीत से हल होती है। मैं उम्मीद करती हूँ जो एजेंडा ऑफ अलायंस हमने मिलके बनाया है, हम जम्मू कश्मीर के जवानों को एक नया रास्ता, जैसा कि आप कहते हैं, एक नया हिंदुस्तान, एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की आप प्रेरणा देंगे और हमारी मदद करेंगे कि हम जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालें। मुझे मालूम है
सुबह से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आपको एक पैगाम देना है। वादी कश्मीर के टूर ऑपरेटर्स ने मुझसे कहा कि जब आप मोदी जी से मिले, उनको हमारी तरफ से दावत दीजिए कि वो वादी कश्मीर आए और वहां की सैर करें। और पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे कि जम्मू कश्मीर टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है। मैं इसी के साथ फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप आज आए और हमारे इस चैनल का इफ्तिताह किया, और जो कुछ भी आज तक आपने दिया मैं उसके लिए भी आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी। जिस चनैनी नाशरी टनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसकी एक झलक आप सब स्क्रीन पे देखेंगे, और हम मंच पे लगी इस स्क्रीन पे चनैनी-नाशरी टनल एक लघु फिल्म। एल्पाइन चोटियों की परतों से घिरा हुआ जम्मू कश्मीर, विशाल ऊंची नीची व स्थिर झीलों और बागीचों को अपनाए हुए है। श्रीनगर और जम्मू के बीच करीब 293 किलोमीटर की यात्रा, जो कि कुछ सबसे तेज और खतरनाक पीर पंजाल पर्वत के मार्गों को पार करके पूरी होती है। भूस्खलन, बर्फ और फिसलन वाली सड़कें अक्सर इस महत्वपूर्ण जीवन रेखा से उत्तर जम्मू और कश्मीर को काट देती है। इसलिए एक सभी मौसमों में काम कर सकने वाले एक मार्ग की शीघ्र आवश्यकता थी, जो जम्मू और कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ सके। इस प्रकार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेनानी नाशरी टनल पर योजना की कल्पना की गई थी। ये दक्षिण एशिया का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयास है। एक अभूतपूर्व 9 किलोमीटर दो लेन राजमार्ग जो कि हिमालय पर्वतमाला को गहराई से काटेगी। इसके साथ ही एक स्केप टनल भी है जो पैदल यात्रियों और आपातकालीन वाहनों के लिए है। दक्षिण और उत्तर दोनों ओर पुलों की वजह से ही ये भारत में सबसे लंबी सुरंग में से है, और ये दक्षिण एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। चेनानी-नाशरी ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और लंबी टनल है। ये टनल बनाते समय मुझे सबसे इस बात की खुशी है कि ये टनल की शुरुआत में फॉरेन पार्टनर थे, पर ये भारतीय इंजीनियर और भारतीय कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बनाया है, और ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसी ये टनल हमारे भारतीयों ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री का सपना है वो एक प्रकार से इसमें पूरा हुआ है। इस सुरंग का निर्माण 1200 मीटर की ऊंचाई से पहाड़ों के बीच से हुआ है। इस क्षेत्र में पहाड़ी चट्टाने, रेतीले शेल, मडस्टोन, सिल्टस्टोन और नरम बलुआ पत्थर की वजह से अत्यधिक अस्थिर है। सुरंग के दोनों सिरों की खुदाई के दौरान भूस्खलन, बाढ़ और खराब मौसम जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ा। सटीक ड्रिलिंग उपकरण का उपयोग करते हुए पूरे ऑपरेशन को 4 साल से भी कम समय लगा, जब तक सुरंग अंत में मध्य में जुड़ नहीं गई। इस परियोजना की प्रगति फरवरी 2014 से दिसंबर 2014 तक बहुत धीमी थी। MORTH और NHAI के सक्रिय समर्थन के बाद यह परियोजना समय पर पूरी हुई। इस टनल के दोनों तरफ 4 लेन सड़क है जो उधमपुर और रामबन में टोल प्लाजा से मिलती है। Tunnel has 29 cross passages. Each cross passage will act as a evacuation channel to escape tunnel. इस सुरंग से 31 किलोमीटर तक का फासला कम होगा। यात्रा के समय में 2 घंटे की कमी होगी। 2 मुख्य सुरंगें आंतरिक रूप से, जहां वेंटिलेशन, आग नियंत्रण, संकीर्ण संचार और विद्युत प्रणालियां सभी स्वचालित रूप से नियंत्रित हैं। साथ ही ये सुरंग एक 3 स्तरीय पावर बैकअप के साथ और विश्व स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ संरक्षित है, जिसके परिणाम स्वरूप
प्रतिदिन लगभग 27 लाख रुपए ईंधन की बचत होगी। ये हिमालय भूगर्भीय स्थितियों में एक अद्भुत रिकॉर्ड है, एक प्रमाण पूरे ILNFS टीम और उनके भागीदारों के, इंजीनियरों के, टेक्नीशियनों और श्रमिकों के अथक प्रयासों का। माननीय प्रधानमंत्री के कौशल भारत की पहल के अंतर्गत कुल जनबल का 94% जम्मू एवं कश्मीर के अकुशल, अर्धकुशल और कुशल 2000 युवाओं को शामिल किया गया है और भविष्य में ये परियोजना अधिक रोजगार और स्थानीय युवाओं में कौशल विकास सुनिश्चित करेगी। आज चेनानी नाशरी टनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। ये एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत होगी, इंडस्ट्री खुलेगी और निश्चित रूप से लोगों को नए रोजगार के साधन प्राप्त होंगे और साथ ही ये नए सपनों और उम्मीदों की शुरुआत को दर्शाता है। समृद्धि की एक नई गर्माहट और हिमालय की ऊंचाइयों को पार कर एक दूसरे के दिलों तक पहुंचने की। तो ये थी चेनानी नाशरी टनल की एक झलक और अब विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो ऊर्जामय संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान NN वोरा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के प्रतिनिधि श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उपमुख्यमंत्री श्रीमान निर्मल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन तो हुआ है, रस्म मैंने अदा की है, लेकिन मैं चाहता हूं आज यहां जो भी नागरिक उपस्थित हैं वे सब मिलकर के इस सुरंग का उद्घाटन करें। और उद्घाटन करने का मैं तरीका बताता हूं, आप सब अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, एक साथ सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश चालू कीजिए और भारत माता की जय के नाद के साथ, देखिए सारे कैमरा वाले आपकी फोटो ले रहे हैं, अब जिसके पास मोबाइल है सब निकालिए, हर कोई फ्लैश करे अपने मोबाइल से। क्या अद्भुत नजारा है, मैं अद्भुत नजारा मेरे सामने देख रहा हूं और ये सच्चे अर्थ में इस सुरंग का उद्घाटन आपने अपने मोबाइल के फ्लैश से करके दिखाया है, पूरा हिंदुस्तान इसे देख रहा है। भारत मा
माता की, भारत माता की। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और मुझे मां के चरणों में आने का ये अवसर मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। अभी नितिन गडकरी जी बता रहे थे कि विश्व के जो मानक है उस मानक के अनुरूप इस सुरंग का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कुछ बातों में विश्व के मानकों से भी कहीं कहीं हम एक कदम आगे हैं। मैं नितिन गडकरी जी को, उनके विभाग की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समय सीमा में इस कार्य को पूरा करने में सफलता पाई है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है, ये जम्मू और श्रीनगर को दूरी कम करने वाली सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है, ये लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए विकास की एक लंबी छलांग है, ऐसा मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में तो इस टनल की चर्चा होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि दुनिया के जितने पर्यावरणवादी हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता जताते हैं, चर्चा करते हैं, उनके लिए भी ये सुरंग का निर्माण एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी नई आशा है। हिंदुस्तान के किसी और कोने में अगर ये सुरंग बनी होती तो शायद पर्यावरणविदों का ध्यान जाने की संभावना कम थी, लेकिन हिमालय की कोख में ये सुरंग बिछा करके हमने हिमालय की रक्षा करने का भी काम किया है, हमने पर्यावरण की रक्षा करने का काम किया है, ग्लोबल वार्मिंग से परेशान दुनिया को भारत ने संदेश दिया है कि हिमालय की छाती में ये सुरंग बना करके हिमालय की प्राकृतिक रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास सफलतापूर्वक आज हिंदुस्तान की सरकार ने पूरा किया है। भाइयों बहनों, ये टनल हजारों करोड़ रुपयों की लागत से बनी है, लेकिन मैं आज गर्व से कहता हूं भले इस टनल के निर्माण में भारत सरकार के पैसे लगे होंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस सुरंग के निर्माण में भारत सरकार के पैसों के साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों का पसीने की उसमें महक आ रही है। 2500 से ज्यादा युवकों ने
जम्मू कश्मीर के 90% जवान जम्मू कश्मीर के हैं जिन्होंने काम करके ये सुरंग का निर्माण किया है। रोजगार की कितनी संभावनाएं उपस्थित हुई ये हम अंदाज कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर के जिन नौजवानों ने इन पत्थरों को काट काट करके सुरंग का निर्माण किया, 1000 दिन से ज्यादा दिन रात मेहनत करके वो पत्थरों को काटते रहे और सुरंग का निर्माण करते रहे। मैं कश्मीर घाटी के नौजवानों को कहना चाहता हूं, पत्थर की ताकत क्या होती है, एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। भाइयों बहनों, ये सुरंग कश्मीर घाटी के टूरिज्म का एक नया इतिहास रचने के लिए अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करने वाला है। यात्री, टूरिस्ट असुविधाओं की खबरों से परेशान हो जाता है। पटनी टॉप पर हिम वर्षा हुई हो, 5 दिन रास्ते बंद हो गए हो, टूरिस्ट अटक गए हो, तो दोबारा टूरिस्ट आने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन भाइयों बहनों, अब ये सुरंग के कारण कश्मीर घाटी में यात्री के रूप में देश के कोने कोने से जो लोग आना चाहते हैं उनको इन संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे वो श्रीनगर पहुंच पाएंगे। मैं कश्मीर घाटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि सुरंग उधमपुर रामबन के बीच भले हो, लेकिन ये कश्मीर घाटी की भाग्य रेखा है, ये कभी भूलना मत। ये कश्मीर घाटी की भाग्य रेखा इसलिए है कि कश्मीर घाटी का मेरा किसान भाई प्राकृतिक आपदाओं के बीच दिन रात पसीना बहाता है, खेतों में काम करता है, बगीचे में काम करता है, आवश्यकता के अनुसार बर्फ वर्षा हुई हो, मौसम आवश्यकता के अनुसार रहा हो, फसल बहुत अच्छी हुई हो, फल दिल्ली के बाजार में बेचने के लिए निकलने वाले हो, लेकिन यहीं पर 5 दिन सड़क बंद गई हो गई हो, आधे से ज्यादा फल उसके बर्बाद हो जाते हैं, दिल्ली पहुंचते पहुंचते पूरी मेहनत की कमाई पानी में मिल जाती है। कश्मीर घाटी के किसानों के लिए ये सुरंग वरदान बन के आई है कि अब वो अपनी फसल, अपने फल, अपने फूल, अपनी सब्जी निर्धारित समय में दिल्ली के बाजार तक आसानी से पहुंच पाएगी। उसको जो खर्च घाटा होता था वो घाटा अब नहीं होगा, ये लाभ कश्मीर घाटी को मिलने वाला है। भाइयों बहनों,
हिंदुस्तान का हर नागरिक उसके मन में एक सपना रहता है, कभी न कभी तो कश्मीर देखना है। वो टूरिस्ट बनकर के इन वादियों में आना चाहता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने उठाया है उससे हिंदुस्तान के कोने कोने से टूरिस्टों को आने की सुविधा बढ़ने वाली है, गारंटेड टूरिज्म होने वाला है और जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं, जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। चालीस साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहूलुहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है। अगर कोई लाल खोया है तो मेरी कश्मीर की मां का लाल हमने खोया है, कोई हमने हिंदुस्तान का लाल खोया है। भाइयों बहनों, ये खून का खेल 40 साल के बाद भी किसी का भला नहीं कर पाया है, लेकिन इसी 40 साल में अगर टूरिज्म को बल दिया होता तो आज पूरी दुनिया कश्मीर की घाटी के चरणों में आकर के बैठी होती। ये ताकत कश्मीर की घाटी में, और इसलिए टूरिज्म की ताकत को हम पहचाने, टूरिज्म को बल देने के लिए जो भी व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो दिल्ली में केंद्र सरकार कश्मीर के साथ है, जम्मू कश्मीर के साथ है, यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए आपके साथ खड़ा है। मैं महबूबा जी को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। पिछले वर्ष भारत सरकार ने जो 80,000 करोड़ रुपया का जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज घोषित किया, मुझे खुशी है इतने कम समय में आधे से अधिक बजट का खर्च, पैकेज का खर्च जमीन पे कार्यरत हो गया है। ये छोटी बात नहीं है, वरना पैकेज कागज पे रह जाते हैं, जमीन पर उतरते उतरते सालों बीत जाते हैं, लेकिन महबूबा जी ने और उनकी सरकार ने हर बारीकी को ध्यान देते हुए चीजों को जमीन पर उतारने के लिए जो कड़ी मेहनत की है और जिसके फल नजर आ रहे हैं, मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्री परिषद, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय अगर तेज गति से आय बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम जम्मू कश्मीर है। मैं इसकी ताकत को भली भांति समझ पाता हूं। मुझे कई वर्षों तक
इन वादियों में संगठन के कार्य के लिए आने जाने का रहने का अवसर मिला है। यहां के दिलदार लोगों को मैं जानता हूं, यहां की सूफी परंपरा की संस्कृति को जानता हूं। भाइयों बहनों, इस अनमोल विरासत अगर हम उसको भूल जाएंगे तो हम हमारे वर्तमान को खो देंगे और हम हमारे भविष्य को अंधेर में धकेल देंगे। ये भूमि हजारों साल से पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन कर सके ऐसी महान विरासत की भूमि है। उसके साथ अपने आप को जोड़े, उसका गौरव करें और परिश्रम से हम अपना भविष्य बनाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चले, देखते ही देखते जम्मू कश्मीर का जीवन बदल जाएगा। भाइयों बहनों, जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है, हर कश्मीरी के दिल में, हर जम्मूवासी के दिल में, हर लद्दाखवासी के दिल में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हमेशा याद आता है। कश्मीरियत, इंसानियत, जम्हूरियत, इस मूल मंत्र को लेकर के जो मूल मंत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है, उसी मूल मंत्र को लेकर के हम कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर, सद्भावना के वातावरण को, भाईचारे के वातावरण को, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए हम मजबूती के साथ, मजबूत इरादों के साथ एक के बाद एक कदम उठा करते आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। कोई बाधाएं हमें रोक नहीं पाएगी। और जो सीमा पार बैठे हैं वो खुद को नहीं संभाल पाते, भाइयों बहनों, हम सीमा पार के हमारे कश्मीर के हिस्से के नागरिकों को भी प्रगति करके दिखाना चाहते हैं कि देखिए कश्मीर कैसे विकसित होता है और जिन लोगों ने आप पर कब्जा जमा के बैठे हैं उन्होंने आपको कितना बर्बाद किया है, ये हम करके दिखाने वाले हैं। विकास यही हमारा मंत्र है, विकास के मंत्र को लेकर के जाना चाहते हैं। जन भागीदारी हमारा रास्ता है, उस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को साथ लेकर के आगे का भविष्य बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी एक सुरंग अगर कश्मीर की भाग्य रेखा बन जाता है, घाटी के किसानों के जीवन को बदल सकता है, घाटी में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है, भविष्य में ऐसी नौ सुरंग बनाने की योजना है, नौ। पूरे हिंदुस्तान के साथ ऐसा जुड़ाव हो जाएगा और ये सिर्फ रास्तों का नेटवर्क नहीं होगा, ये दिलों का नेटवर्क बनने वाला है, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, विकास की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। जम्मू कश्मीर के नौजवान, इस इलाके के भाग्य बदलने के लिए भारत की सरकार के रोजगार की योजनाओं का फायदा उठाएं। शिक्षा के जो नए नए क्षेत्र यहां मौजूद है उसका फायदा उठाएं।
विकास की नई ऊंचाइयों को पार करें। और मेरे जम्मू के भाई, इस जम्मू क्षेत्र का विकास भी तेज गति से हो रहा है। स्मार्ट सिटी की दिशा की बात हो, हृदय योजना हो, अमृत योजना हो, शिक्षा के क्षेत्र की बातें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, यहां तालाब की पुनर्रचना हो, हर क्षेत्र में, चाहे लद्दाख हो, घाटी हो या जम्मू हो, एक संतुलित विकास हो और इस विकास का फायदा पूरे जम्मू कश्मीर की भावी पीढ़ी को मिलता रहे, इसकी तैयारियां करते चले, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाते चले, इन्हीं सपनों को लेकर के आज आगे जाना है। मैं फिर एक बार नितिन जी को, उनकी टीम को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जम्मू कश्मीर की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज जम्मू एवं कश्मीर की इस ऐतिहासिक यादगार उपलब्धि के लिए एक बार फिर से हार्दिक शुक्रिया। अब मैं विनम्र आमंत्रण देना चाहूंगी माननीय डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी को, उप मुख्यमंत्री जम्मू एवं कश्मीर, कि वह हम सबकी ओर से धन्यवाद व्यक्त करने के लिए मंच पर आए। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर JNK। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशाल जनसभा में कोने कोने से आए हुए भाई और बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मौजूद हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी भारत के चक्रवर्ती प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने अमूल्य समय देके हमारे बीच आए और आज चेनानी नाशरी टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी, हम आपके बहुत आभारी हैं, जिस तरह से आपने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और जैसे आपने स्वयं कहा, जम्मू कश्मीर की सरकार वो पूरी कोशिश में है कि आपके सपनों का जम्मू कश्मीर हम बनाएं और पूरी मेहनत से हम लगे हुए हैं। हम आपको ये विश्वास देते हैं कि आपके सपनों का जम्मू कश्मीर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप के कारण हम इतने सौभाग्यशाली हैं, भारतवासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपका नेतृत्व भारत को मिल रहा है। आप जैसा प्रधानमंत्री है, आप जो भी मुद्दा अपने हाथ में लेते हैं वो आंदोलन की शक्ल में ले लेता है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या कोई भी विषय है, वो एक आंदोलन का रूप लेता है। और हमें पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा जो एक आह्वान किया है जाता है, पूरे देश की जनता आपके आह्वान के ऊपर 100% खड़ा उतरने के लिए तैयार रहती है। और भारत, वो भारत जो प्राचीन काल में जो एक भारत था दुनिया में, जिसका नाम था भारत की जो संस्कृति है, वैसे भारत का फिर से निर्माण करने के लिए जो एक जो आपका जो नेतृत्व है, उसका बहुत बड़ा जो है लाभ इस भारत को मिलेगा और भारत जो है एक नंबर की जो है देश बनेगा दुनिया में, हमें पूरा विश्वास है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आधुनिक भारत के, एक समय था जब शेरशाह सूरी को याद किया जाता था कि उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। मैं श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में जो रोड्स का नेटवर्क बनाते हुए और जिस प्रकार के आश्वासन उन्होंने हमें दिया है, आश्वासन ही नहीं दिया, जिस प्रकार के कार्य यहाँ रोड्स का नेटवर्क चल रहा है, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप ये पिछड़ा हुआ इलाका, दूर दराज का इलाका, जैसे आपने जो है यह सुरंग का जो है बड़े थोड़े समय में उसका पूरा किया है। कल को जोजिला टनल बनेगा, जिस प्रकार के जो होंगे तो उसका लाभ मिलेगा। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल जी का, मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, बाकी मंत्रियों और जितने महानुभाव
जो है स्टेज पर हैं सभी का और खास तौर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।